हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस क्लास ऑफ फिफ्थ ग्रेड। डियर फ्रेंड्स, सेकंड टर्म का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? द नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो आपका बुक का फोर्थ चैप्टर है वो आपका सेकंड टर्म में आएगा। ठीक है, तो ये है आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के मेन पार्ट्स बताने हैं कौन कौन से हैं। सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेडुला, ये ब्रेन्स के थ्री पार्ट्स होते हैं। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मेडुला, मेडुला का दूसरा नेम क्या है? ब्रेन स्टेम। जो मेडुला है उसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्वस, सेंसरी नर्व्स, कौन कौन सी नर्व्स होती हैं? सेंसरी नर्व्स, मिक्स नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। ठीक है, व्हाट इज द न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है? नर्व सेल्स होती हैं, जो नर्व्स की सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। नेम फाइव सेंस ऑर्गन्स, आई थिंक यू ऑलरेडी नो, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ये कौन सी हैं? फाइव ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, स्किन। स्किन आपका सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होते हैं, सबसे ज़्यादा स्किन होती है हमारी। आईज दो होती हैं, ईयर्स दो, नोज वन, टंग वन होती है, और स्किन है हमारी पूरी बॉडी पर होती हैं। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा हुआ? स्किन। व्हाट आर थ्री पार्ट्स ऑफ ईयर्स, ईयर के थ्री पार्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, कौन कौन से हैं? आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। विच सेंस ऑर्गन हेल्प इन मेंटेन बैलेंस ऑफ अवर बॉडी, कौन बैलेंस करता है? ईयर। ईयर है जो हमारा, वो क्या करता है? मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी के बैलेंस को। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है व्हाई वी डू नॉट रिलिश फूड व्हेन वी सफर फ्रॉम कोल्ड, कि हमें क्या है कि कई बार क्या होता है जब हमें कोल्ड हो जाता है ना, तो हमें फूड का टेस्ट नहीं पता लगता। हम कुछ खाना खाते हैं तो हमें स्वाद का पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरह का टेस्ट आ रहा है। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज स्मेल डज नॉट रीच नर्व सेल्स एंड वी कैन नॉट स्मेल, जो स्मेल होती है फूड की वो नर्व सेल में नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह से हम उसको स्मेल नहीं कर पाते, मतलब उसको फील नहीं कर पाते कि किस टेस्ट का है। ठीक है, सो द फूड डजंट टेस्ट एज गुड एज इट टेस्ट नॉर्मली, जैसा उसका नॉर्मली फूड का टेस्ट होता है, हम उसको उस वे में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मीन्स उसको टेस्ट को फील नहीं कर पाते कि किस तरह का वो टेस्ट है उस भोजन का। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व्स इन आवर बॉडी, ऑप्टिक नर्व्स की हमारी बॉडी के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है? द ऑप्टिक नर्व कैरीज मैसेज टू ब्रेन, जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो क्या करती हैं, जो कहीं से मैसेज आता है तो उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, इट कैन अंडरस्टैंड एंड टेल्स व्हाट यू हैव टू डू, कोई किसी ने हमें बोला है कि बाहर चले जाओ। ठीक है, तो वो क्या हो, जो नर्व्स ऑप्टिक नर्व्स है वो सुनेगी, कैच करेगी कि हाँ किसी ने कौन सा मैसेज दिया है, वो ब्रेन तक पहुंचाएगी उसको। ठीक है, उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग करेगी कि हाँ कि उसने एग्जैक्ट में कहा क्या है, मीन्स ब्रेन तक वो मैसेज पहुँचता है, तो ब्रेन उसको बताएगा कि उस जो उन्होंने बोला है, मीन्स उसको मैसेज मिला है, तो उसका रिस्पॉन्ड और रिप्लाई कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडुला इन आवर बॉडी, मेडुला की इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी में? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ इनवॉलंटियर मसल्स यूज इन ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हार्ट बीट। ये क्या करती है? कंट्रोल करती है मूवमेंट्स को, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो ब्रीद सांस लेने में जो हमारी मसल्स की मूवमेंट होती है वो, आइज को हम ब्लिंक करते हैं, और जो हमारी हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट की जो बीट्स होती हैं उन सभी का कंट्रोल किसके अंडर होता है? मेडुला के। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटर नर्व्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स, मोटर नर्व्स को सेंसरी ऑर्गन्स का फंक्शंस बताना है। मोटर नर्व्स कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू अवर मसल और ऑर्गन्स एंड मेक्स देम मूव। मोटर नर्व्स क्या करती है? इंफॉर्मेशन करती लेती है कहाँ से? फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से वो मैसेज लेगी कि आगे मसल्स ले, जैसे हमने अपना हाथ मूव करना है, हम हाथ को हिला रहे हैं, तो इसमें भी जो मोटर नर्व्स है उसका वर्क है कि वो ब्रेन से
हमारी मसल्स तक, ऑर्गन्स तक हमारी मूवमेंट्स को करवाएगी, मीन्स इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी कि हमने इस हाथ को ऐसे हिलाना है या इस पेन को उठाकर ऐसे करवाना है। तो वो किसका काम है? मोटर नर्व्स का। ठीक है, ब्रेन से वो मैसेज हमारी मसल्स तक पहुंचा रही है कुछ मूवमेंट करने के लिए। और सेंसरी ऑर्गन क्या होती है? सेंसरी नर्व्स कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। फिर हमने क्या है, जैसे मैं हाथ को हिला रही हूँ, अगर मैंने यहाँ से उठा के पेन ऐसे रखा है तो मेरे ब्रेन तक जो सेंसरी नर्व्स है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगी कि हम यहाँ से ऐसे पेन रखेंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा या कोई इफेक्ट पड़ रहा है, मीन्स उसको मैसेज पहुँचाना है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जो मैसेज पहुँचाता है वो कौन है? सेंसरी नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर के, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आईज। हम अपनी आईज की कैसे टेक केयर कर सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं? फर्स्ट है, व्हेन यू रीड फेस टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब हम भी कोई चीज़ को रीड कर रहे हैं, कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो हमारा फेस लाइट्स की तरफ होना चाहिए, मीन्स सामने से लाइट हमारी बुक पर पढ़नी चाहिए, जहाँ से हमने रीड करना है वो लाइट सामने से इसके ऊपर पढ़नी चाहिए। अगर बैक साइड से हम करेंगे तो जो हमारी परछाई है वो बुक के ऊपर आएगी और हमें इफेक्ट पड़ेगा, हमारे साइड इफेक्ट होता है आईज से। ठीक है, नेक्स्ट है, डू नॉट सिट टू क्लोज टू द टेलीविज़न वाइल वॉचिंग इट। अगर जब हम टीवी देख रहे हैं तो हमें ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए टीवी के, हमें दूर बैठकर उसको देखना चाहिए। वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर, हमें अपनी आँखों को धोते रहना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन कंप्यूटर और टैबलेट्स फॉर लॉन्ग आवर्स, हमें ज़्यादा देर तक कंप्यूटर और टैबलेट्स पे खेलना नहीं चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए ज़्यादा देर। सिट अपराइट वाइल रीडिंग, बिल्कुल हमें स्ट्रेट बैठकर रीडिंग करनी चाहिए, जब हम रीड कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल सीधा बैठकर रीड करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम लेट कर रीड कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई और पोजिशन हमने बनाई हुई है रीड करने के लिए, तो हमें सिट अपराइट वाइल रीडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज इट्स एडवांटेज। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सम एक्शंस आर वेरी फास्ट एंड ऑटोमेटिक दैट वी एक्ट विदाउट थिंकिंग। कुछ हमारे क्या होता है कि हम कोई चीज़ हमें करनी है, ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ये पेन है, ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये पेन फेंकना है, अगर मैं उसको ज़्यादा देर तक सोचूंगी तो वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने सोचा भी नहीं है, मैंने उठाया पेन इधर डाल दिया, ठीक है, ये फेंक दिया कहीं पे भी, तो वो एकदम से जो फास्ट एक्शन होता है वो क्या है, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी एक्शन को परफॉर्म करना, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। सच एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स। ठीक है, एडवांटेज क्या है? मैनी एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, एनिमल्स डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम एडवर्स कंडीशन विदाउट एनी डिले। कई बार क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, है ना, तो वो अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है, फिर एक्सीडेंट्स को मीन्स एक्सीडेंट बचा देते हैं वो, अगर हमारे सामने आ रहे हैं, अगर उन्होंने एकदम से टर्न कर लिया, मीन्स अपने आप को भी बचाया है और जो ड्राइव कर रहा है उसको भी। मैनी एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं जो होने से बच जाते हैं, किसकी वजह से? एनिमल्स की वजह से। एनिमल्स क्या करते हैं, एकदम से अपना टर्न होकर या फिर अपने आप को वो सेव कर लेते हैं बिना कुछ सोचे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर स्किन, कैसे टेक केयर कर सकते हैं? फर्स्ट, टेक बहुत बाथ एवरी डे एंड कीप योर बॉडी क्लीन, डेली हमने नहाना है और अपनी बॉडी को क्लीन करना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप योर स्किन हाइड्रेट, अपने हमने ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है, उसको क्लीन करके रखना है अंदर से। ठीक है, डू नॉट वेयर क्लॉथ्स वॉर्न बाय अदर्स, हमने वो वाले कपड़े नहीं पहने हैं जो किसी और ने पहने हुए हैं। ठीक है, या तो हमें उनको अच्छे से वॉश करना है तब उनको वेयर करना है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आज मैंने पहननी है तो मैं थोड़ी देर बाद किसी और को अपने कपड़े पहना रही हूँ। ठीक है, वो हमने किसी के वेयर किए हुए क्लॉथ्स को नहीं पहनना है। यूज सनस्क्रीन लोशंस टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल, यूज सनस्क्रीन लोशन टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन, हमने जब हम सूर्य के सामने आ रहे हैं मीन्स डायरेक्ट उसकी
हीट को ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, सनस्क्रीन लोशन को यूज़ करना है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सन से क्या है हार्मफुल रेज आती हैं जो हमारी स्किन को इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ आर सेंसरी नर्व्स डिफरेंट फ्रॉम मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व से जो वो मोटर नर्व से डिफरेंट कैसे है, अभी हमने लास्ट में भी किया है, अपने क्वेश्चन में भी किया ना मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। सेंसरी नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। ये सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन को पहुँचाती है। वेयर एज मोटर नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू आवर ऑर्गन्स, मीन्स ये आपस में अपोजिट हैं। ठीक है, बोथ नर्व्स आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये था आपका लेसन नंबर 4, जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस में से ये वाला चैप्टर आपको सेकंड टर्म में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।